हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटर आइडिया में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी अभी तक क्यों रुकी हुई है, क्या विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी होगी या इसके बाद की जाएगी। आपको इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को बताने वाले हैं, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी समय पर मिलती रहे और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप एक किसान हैं और आपने अगर बैंक से कर्ज लिया है तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार विधानसभा चुनाव 2022 में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। और दोस्तों, अब की बार विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी द्वारा किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि अब की बार क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस पे बहुत ही प्यारा जवाब दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया था, और अब की बार भी अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का 2-2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी को लेकर कोई नया बयान या कोई नई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका संपूर्ण कर्ज माफ कर सकती है। और दोस्तों, अभी तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरण में हो चुके हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर किसी भी पार्टी द्वारा कोई नई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्ज माफी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी विधानसभा के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद किसी पार्टी की सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ कर सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे ही बीजेपी सरकार या अन्य किसी पार्टी द्वारा किसान कर्ज माफी को लेकर कोई नई अपडेट जारी की जाती है तो हम आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी देंगे, जिसके लिए आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। और ऐसी सरकारी योजनाओं से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय किसान।